नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन जो पेपर फर्स्ट होता है उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चन आए हुए थे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हम लोग आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए बाजसनेमी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन कारण देखिए क्या है और नीचे क्या कहता है। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करना है। इसका क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन ए कथन ए तथा कारण दोनों सही हैं तथा कारण जो आर है वो एक ही सही व्याख्या करता है। ओके, कथन क्या है, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। कारण क्या है, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। इसकी जो कारण आर जो है वो कथन ए की व्याख्या करता है। अगला, निम्न मंदिरों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर को चुनिए। इसका हो जाएगा गाइस आपका ऑप्शन डी ये वाला। तो पहले देखिए चौथा आएगा तीसरा आएगा। चौथा है सप्त पैगोडा, फिर तीसरा है महावली पुरम का तटीय मंदिर, फिर है पहला बृहदीश्वर मंदिर, फिर है गंगे कोंड चोलापुरम मंदिर। अगला है हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो ऑप्शन है खारवेल। अगला, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो नीचे कोड के माध्यम से आपको सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन बी हो जाएगा, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं परंतु कारण आर जो है कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। ओके, तो कथन और कारण देख लेते हैं। कथन ए क्या है, 1946 में मुस्लिम लीग में कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। और कारण आर क्या है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। दोनों कथन और कारण सही हैं। निम्नलिखित में से किन स्थानों मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? ऑप्शन सी बागोर। और अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, बाकी के जो तीन हैं वो सही हो जाएंगे, जैसे कि लाल दरवाज़ा मंदिर ये हो जाएगा जौनपुर, फिर है दाखिल दरवाज़ा ये हो जाएगा गौड, फिर है तीन दरवाज़ा ये हो जाएगा अहमदाबाद। निम्नलिखित युगों में से सही सुमेलित नहीं है, तो आपको गलत वाला बताना है ऑप्शन सी, बाकी के जो तीन हैं वो आपके सही हो जाएंगे। और देखिए पहला है ध्रुवदास, ये हो जाएगा भगत नामावली, फिर है नाभादास ये हो जाएगा भक्तमाल, फिर है उस्मान की हो जाएगी चित्रावली। निम्नलिखित घटनाओं को काला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन डी हो जाएगा, देखिए पहले आएगा सी बुड का घोषणा पत्र, फिर आएगा हंटर आयोग, फिर आएगा सेटलर आयोग, फिर आएगा सार्जेंट योजना। अगला है, निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? ऑप्शन बी विनायक दामोदर सावरकर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो आपको गलत वाला बताना है ऑप्शन डी, ये गलत हो जाएगा, बाकी के जो तीन हैं वो सही हो जाएंगे, जिसमें पहला विद्रोह है संथाल जो कि हुआ था वर्ष 1855, फिर है कोल विद्रोह ये हुआ था 1831, फिर है खासी विद्रोह ये हुआ था 1829 में। निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी कुंचिकल जलप्रपात। अगला है, वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन संबंधित है? ऑप्शन बी कोपेन। अगला है, निम्नलिखित देशों में से किसमें पंपा घास का मैदान स्थित है? ऑप्शन ए अर्जेंटीना। अगला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो आपको गलत वाला बताना है ऑप्शन डी,
बाकी के जो तीन है वो सही हो जाएंगे, जिसमें पहला है सोनो रन मरुस्थल, ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर है तकलाम कान मरुस्थल, ये हो जाएगा चीन। फिर है कराकुम, ये हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान। निम्नलिखित काफ़ी उत्पादक देशों को उनके काफ़ी उत्पादन 2016 मात्रा को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनिए। अवरोही क्रम क्या होता है, बड़े से छोटे, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, पहले देखिए आएगा ब्राज़ील, फिर आएगा वियतनाम, फिर आएगा कोलंबिया, फिर आएगा इंडोनेशिया। गाइस आपका अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 7000 किलोमीटर। अगला है, निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालय को उनकी स्थापना के कालाक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। कोड के माध्यम से बताना है, ऑप्शन डी। पहले देखिए कोलकाता आएगा, फिर आएगा शिमला, फिर आएगा पुणे, फिर आएगा नई दिल्ली। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो आपको गलत वाला बताना है, ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी के जो तीन है वो सही हो जाएंगे, जिसमें पहला है काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है। केप्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है। और सी है, काली मिट्टी में आर्द्रता नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है। मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है, ऑप्शन ए भारत एवं चीन के बीच। अगला है, निम्नलिखित नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है, ऑप्शन डी मिसिसिपी। नेक्स्ट है, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि निम्न में से किसका परिणाम है, ऑप्शन डी, कोड के माध्यम से चुनना है, ऑप्शन डी ए और बी। पहला है अघोषित जन्म दर, फिर है अघोषित मृत्यु दर। अगला है, निम्न में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक HDI सर्वप्रथम विकसित किया गया, ऑप्शन ए UNDP द्वारा। अगला है, निम्नलिखित में कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, ऑप्शन ए मनरेगा। निम्नलिखित में कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है, ऑप्शन डी आय की विषमता। और निम्नलिखित राज्यों में कौन आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है, ऑप्शन डी हरियाणा। नेक्स्ट, निम्नलिखित करों में कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है, ऑप्शन सी स्थानीय मेलों पर कर। भारत में निम्नलिखित 5 वर्षों योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय संपोषणीय वृद्धि था, ऑप्शन डी बारहवीं। आपका क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसे स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम में विकास के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं चुना गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा गाजियाबाद। और अगला है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 2015-16 के अनुसार भारत में वर्तमान में भारत की कुल प्रजनन दर या TRR क्या है, तो ऑप्शन ए 2.2। भारत में नगरीय क्षेत्रों में BPL परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी, ऑप्शन डी हासिम समिति। अगला है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशतांत वनों के अंतर्गत है, ऑप्शन सी 21.54। भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी, ऑप्शन इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगला निम्नलिखित में कौन मानव जनित जीबोब का एक उदाहरण है, ऑप्शन डी फसली भूमि। और अगला है, निम्नलिखित में कौन सा जानवर बिना पिए पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है, ऑप्शन डी कंगारू चूहा। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मेरीन बायोडायवर्सिटी या कह सकते हैं NCMB किस शहर में स्थित है, ऑप्शन बी जामनगर में। अगला है, डाची गम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ऑप्शन डी हंगुल या कश्मीर स्टैग। और अगला है,
विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 22 मई। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।